हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड स्टेट लेक्चर नंबर 2 के बारे में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा बेसिक हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कैसे हम लोग पता करते हैं, सॉल्वेंट कैसा पता करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का, वो हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि वेपर प्रेशर किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस देखा था और उसका कुछ हम लोगों ने थ्योरी पोर्शंस भी लिखा था। एंड एक हम लोगों ने क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को भी डराइव किया था। वो जो इक्वेशन है वो मेंस के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो वो इक्वेशन आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने ही आपको ये बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर जब पी एक्सटर्नल, जो बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है, सॉरी प्रेशर जो होता है वो, और जो वेपर प्रेशर जो इंटरनल उस सॉल्यूशन का प्रेशर होता है वो, जब दोनों बराबर आ जाते हैं एक टेम्परेचर के ऊपर, वो जो टेम्परेचर का रेंज होती है, वो टेम्परेचर का जो पॉइंट होता है, उसी को हम उस लिक्विड का क्या कहते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट किया था फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। एंड जिन स्टूडेंट्स ने ये वो लेक्चर देख लिया था, अब हम उनके साथ में कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है राउल्ट्स लॉ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट राउल्ट्स लॉ है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, किन किन तरीके से हम लोग राउल्ट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल फॉर्मेट क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनका फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं, और कुछ ग्राफ्स भी होते हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ग्राफ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मेंस में या फिर नीट में, या फिर हम बोर्ड की बात करें तो उसमें भी आपको राउल्ट्स लॉ के जो ग्राफ हैं उनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट हम क्रिएट कर देते हैं इसको, डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी नहीं क्रिएट कर पाते हैं, हम लोग कंटिन्यू उसको स्टडी नहीं कर पाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले राउल्ट्स लॉ, तो हेडिंग डालते हैं राउल्ट्स लॉ। एक सेकेंड, ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्या था राउल्ट्स लॉ और इसका स्टेटमेंट क्या था, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं वापस से थोड़ा। इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, एक तो हमारे पास में होता है सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें एक तो सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। एक क्या होगा, सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। देखो ध्यान से, हम इनकी जो एक प्रॉपर्टी है वोलेटाइल प्रॉपर्टी, कि वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, इनके बेसिस पर ही हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल के बारे में। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास में सॉल्यूट दो टाइप के हैं, एक तो वोलेटाइल है, एक तो क्या है वोलेटाइल, और एक क्या है नॉन वोलेटाइल। ठीक, और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारे पास में बताओ कितना है, दो टाइप का है, एक तो वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल। अब फर्क क्या पड़ेगा नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल के अंदर। देखो, जो सॉल्यूट ध्यान से सुनना, जो सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जब हम राउल्ट्स लॉ का एक फॉर्मेट देख लेंगे, जब हम लोग पार्शियल प्रेशर को या राउल्ट्स लॉ का हम लोग थोड़ा फॉर्मूला देख लेंगे किस तरीके से डराइव होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अगर हमारे पास में सॉल्यूट वोलेटाइल नेचर का है तो वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, अगर नॉन वोलेटाइल नेचर का है तो वो वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है यानी कि वो कभी भी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही बात। चलिए, इसी तरीके से सॉल्वेंट भी दो टाइप के होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जनरली हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, जनरली हमारे पास में जो सॉल्वेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं। ठीक,
सल्यूट में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शुगर ले लूँ, तो शुगर वोलेटाइल नहीं है, वो नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट हो जाएगा, इसी सॉरी सॉल्यूट हो जाएगा, नॉट सॉल्वेंट, इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम जनरली अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत नहीं पता होता तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाते। बाकी बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कोई भी मतलब ये बीस नहीं है, हम लोग ये बोल सकते हैं बीस लेस क्वेश्चन है, चिंदी फर्जी सा क्वेश्चन जिसको अपन बोल सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, ये मैंने आपको बताया था। और वाटर कैसा होता है, वाटर वोलेटाइल लिक्विड होता है, ठीक है। उसको आप किसी भी टेम्परेचर पर रखो, उसकी कुछ ना कुछ वेपर जनरेट होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लास में अगर हम पानी भर करके उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और उसको अगर हम कुछ टाइम के लिए रूम में रख देते हैं या पूरी रात के लिए रख देते हैं, तो उसकी जो ढक्कन होता है या उसकी जो बाउंड्री की जो वॉल होती है जो ग्लास की, उसके ऊपर क्या आ जाती है, उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पानी जो है वो वेपराइज हुआ या इवेपोरेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स में, और वापस कंडेंसेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ध्यान रखना आप लोग। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वैसे हम स्किप भी कर सकते थे बट आपको कोई डाउट नहीं रहे इसलिए मैंने इसको करवा दिया। अब हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट से बहुत सारी अलग अलग कैलकुलेशन जो होती है हम लोग कर सकते हैं। हम लोग एक बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ बना सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखना ध्यान से, मान लो हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, ये इस कंटेनर में हम लोगों ने एक सॉल्यूशन डाल रखा है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपको दो चीज़ें मिलेगी। मान लेते हैं हमारे पास में लिक्विड है ए और लिक्विड है बी, और यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर क्या लगा दिया है, इसको कवर कर दिया है। इसमें से बी जो है वो वोलेटाइल लिक्विड है जबकि ए जो है वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, या फिर हम एक बार लिक्विड कंसिडर नहीं करके हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास में दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक। इसमें से जो B कंपोनेंट है वो हमारे पास में कैसा है बताओ, वोलेटाइल है, जबकि ये कैसा है बताओ, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, नॉन वोलेटाइल तो कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वेपर प्रेशर में, मतलब कि यहाँ पे जो इसकी वेपर्स बनेगी ये वेपर्स हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो वेपर्स बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वेपर्स आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ बी की वेपर्स आएगी। मैं इसमें थोड़ा बी भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको रेड कलर से ये पता चले कि रेड कलर वाला बी है, ये बी है और ये ए है, ठीक है। तो देखो ये वेपर्स जो है वो किसकी है, वेपर्स ऑफ बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बी जो है वो वोलेटाइल है, तो यही कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ए वोलेटाइल होता तो यहाँ पे ए की भी वेपर मिलती। अब राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या है हमें बोलते हैं। देखो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी आप इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करोगे, ये वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। किसके इक्वल आएगा, मोल फ्रैक्शन, या फिर प्रोपोर्शनल का साइन हम बोल सकते हैं। देखो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ओवर द सॉल्यूशन, देखो इस सॉल्यूशन के ऊपर जो भी वेपर प्रेशर आएगा कंपोनेंट का, जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है हमारे पास में, उसका जो वेपर प्रेशर आएगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो अगर आप इसको लिख रहे हो। मैं अभी लिख दूंगा कि वेपर प्रेशर, आप लोग ये बोल सकते हो, इसको हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट हाल फिलहाल हम लोग क्या नाम देते हैं इसको, वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो आप लोग। देखो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूशन, एक सेकेंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, देखो, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या आ जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, इन सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब एक और चीज़, जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, क्या मैं इसको पी से कंसीडर कर सकता हूँ? ये हो जाएगा हमारे पास में पी, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हमारे पास में हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बनेगी, एक्स क्या होगा ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन पी। अब देखो, इसके अंदर अगर हम पी इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगता है, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। क्या फॉर्मूला आता है, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, जहाँ पर हमारे पास में बताओ पी नॉट क्या होता है, पी नॉट इज वेपर प्रेशर इन, वेपर प्रेशर इन प्योर सॉल्यूशन, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट लिख सकते हो। एक सेकेंड, आज तो बहुत मिस्टेक्स हो रही है कंपोनेंट स्पेलिंग में, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास में राउल्ट्स लॉ हो जाएगा। सिंपल, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। और अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही यहाँ पे बताओ क्या मिल जाएगा आपको, पी नॉट मिल जाएगा, ठीक है। पी नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है। अब देखो, अभी तो हम हाल फिलहाल क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ बी ही वॉलेटाइल है, इसका मतलब वेपर प्रेशर में कॉन्ट्रीब्यूशन किसका आएगा, बी का आएगा। लेकिन अगर हम हमारे पास में हम ये कंसिडर कर लें कि हमारे पास में दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है वो सॉल्यूशन के, वो दोनों के दोनों वॉलेटाइल है, तो उसके अंदर हम अलग तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, उसके लिए ग्राफ भी आता है। फिर उसके लिए एक और कंडीशन हम लोग पढ़ सकते हैं कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या हो, कंपोनेंट जो है वो वॉलेटाइल हो, तो उसके अंदर हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसका जो ग्राफ आता है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ आता है ना, बहुत बार ये ग्राफ भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ पी नोट था और यहाँ पे ये इसका एक्स मोल, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, या फिर आप इसको लिखो ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में पी नॉट, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की कुछ वैल्यूज आ जाएगी। तो ये हमारे पास में एक ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, जो कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। इसके अलावा भी हमारे पास में और भी बहुत सारे ग्राफ्स बनते हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। आप इसको कॉपी करो, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, जिसके अंदर हम लोग केस स्टडी करेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास में दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल कंपोनेंट है, तो हम किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन करके फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करो, और हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज ये जितना भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये सारा का सारा आपको एज अ पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक जो होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, आप वहाँ से जा करके लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, जो भी बोर्ड का जो पीडीएफ होगा वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ओके। एंड अगर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। वहाँ आपको डेली असाइनमेंट दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब हम लोग टारगेट स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं कि आपको डेली असाइनमेंट दिए जाते हैं, एक एक चैप्टर के असाइनमेंट्स होते हैं, आपको एक दिन का टाइम दिया जाता है, वहाँ पे आप लोग असाइनमेंट को कंप्लीट करके आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है तो मैं आप 24 आवर आप अवेलेबल हूँ, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप डाउट पूछ सकते हैं, एंड अदर टॉपिक्स पर भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, ओके। हाल फिलहाल तो आप ये कॉपी करो, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। तो हम बात करते हैं दो केसेस के बारे में। तो हमारे पास में जो फर्स्ट केस आता है वो आता है केस फर्स्ट हमारे पास में है वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी
आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास में आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर, कंटेनिंग टू और मोर देन टू, वॉलेटाइल कंपोनेंट, अब देखो हमारे पास में क्या दे रखा है, हमारे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसके अंदर दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है वो क्या है, वॉलेटाइल कंपोनेंट है। इस कंडीशन में हम लोग कैसे फॉर्मूला डेराइव करेंगे देखना ध्यान से। अब देखो, अच्छा पहले अगर हम बात करें कि आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं, कभी पूछा नहीं जाता, आप लोग याद रखना, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, मैं लाइन बोल रहा हूँ। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये ऐसे मिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं, दो या दो से कम अधिक ज़्यादा कंपोनेंट, मोर सॉरी टू और मोर देन टू कंपोनेंट को, अगर ऐसे कंपोनेंट जो कि आपस में मिजिबल होते हैं, यानी कि उनको हम डाल देते हैं तो आपस में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते, तो हम ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ, मैं लिखवा देता हूँ, चलो सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर देन टू मिजिबल कंपोनेंट, सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर देन टू मिजिबल कंपोनेंट एंड डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, एंड डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, तो वो आपस में अगर रिएक्शन ना करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो हाल फिर हमें इन पर फोकस नहीं करना है, हमें तो थोड़ा मीनिंग बता होना चाहिए था, पूछेगा कोई नहीं बताओ कि आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, हम तो बस राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। मान लो ये हमारे पास में एक कंटेनर है, वापस से इस कंटेनर पर के ऊपर हम लोगों ने एक ढक्कन लगा दिया और इसके अंदर हम लोगों ने एक लिक्विड फिल कर दिया। ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में हमारे पास में दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे पास में वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है और बी भी, ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। इसका मतलब यहाँ पे, अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि रेड को भी हम लोग गया मार्कर, सॉरी चलिए हम एक काम करते हैं, रेड को भी क्या करते हैं इसके अंदर मेंशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ रेड वेपर्स भी बनेगी है ना, जो रेड लिक्विड है उसका भी वेपर बनेगा, प्लस साथ में यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे ब्लैक कलर की वेपर्स भी बनेगी। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि दोनों के दोनों लिक्विड्स वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि हमें डेरिवेशन देखना तो उसके लिए है ना, आप लोगों ने गैसेस स्टेटमेंट डॉल्टन्स लॉ अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, डॉल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी कंटेनर के अंदर आपको सारी की सारी गैसेस का वेपर प्रेशर या फिर प्रेशर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको एक टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है कंटेनर का, तो कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा, उस कंटेनर में जितनी भी गैसेस होगी उन गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कंटेनर का टोटल प्रेशर आ जाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं। इतना मैं आपको डीप में नहीं समझा सकता अभी डॉल्टन्स लॉ, बट हाँ इतना याद रखना कि अगर एक कंटेनर का, इस कंटेनर का अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो इसमें जितनी भी गैसेस हैं उन सभी का हम लोग क्या कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, और पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंटेनर का क्या निकाल सकते हैं बताओ, टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू डॉल्टन बताओ यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये होगा, ये तो हमारे पास में है अकॉर्डिंग टू डॉल्टन। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स,
अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स। तो बताओ राउल्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है, इसको मैं वेपर प्रेशर को पी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ये हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है, तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ ए, बताओ वेपर प्रेशर ऑफ ए हम लोग कैसे निकालेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। इसी तरीके से अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ बताओ क्या निकालना है, बी निकालना है, देन हम लोग क्या यूज़ करेंगे बताओ, पी नॉट बी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये हमारे पास में आ गया वेपर प्रेशर। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, बताएं एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, बताएं वन होता है, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी वन होता है, इसका मतलब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इनमें से किसी को भी एक टर्म्स में लेकर के आ सकते हैं। इस वैल्यू को मैं एक्स बी की टर्म्स में लेकर आ सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं इस वैल्यू को एक्स ए के टर्म्स में लेकर आ सकता हूँ। अभी हाल फिलहाल नहीं छेड़ेंगे इनको, हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग पी बोल देते हैं, ठीक। यहाँ से मैं, अब देखो ये वैल्यूज हम लोग पुट कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ ए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वेपर प्रेशर ऑफ बी कैलकुलेट कर लिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आ रही बात समझ में आपको, आ रही है ना? हाँ आनी ही चाहिए, मैं आपको इतना बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी सॉरी एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है, है ना? रटना नहीं है, आप लोग बस समझते जाओ, मार्कर के इंक खत्म हो गए, मार्कर बस चेंज करते जाओ, ठीक है। देखो अब हम इसको दो टर्म्स में लेकर के आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैं चाहूँ तो इसको एक्स बी के टर्म्स में लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि हमें रिलेशन पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बताओ क्या होगा, वन होगा। मैं इसको एक्स ए के टर्म्स में लेकर के आ सकता हूँ, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा, वन होगा। चलिए हम लोग इसके अंदर दो अलग अलग सूत्र बना लेते हैं, फॉर्मूला, राइट। चलिए बताएं कि हम लोग पहले क्या लेकर के आए, पहले हम लोग लेकर के आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर बाद में दिक्कत ना आए, है ना। तो देखो पी नॉट एक्स, अच्छा ये सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक्स ए की वैल्यू लिख देते हैं, एक्स ए की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं वन माइनस एक्स बी। इसी तरीके से हम लोग एक्स बी की जगह लिख सकते हैं वन माइनस एक्स ए। तो हम लोग इसको दो टर्म्स में लेकर के आ सकते हैं, एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि हम लोग इजीली लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह मैं लिख रहा हूँ इस बार वन माइनस एक्स बी, तो वन माइनस एक्स बी प्लस यहाँ पे क्या आएगा पी नॉट बी एक्स बी। तो ये तो किस टर्म्स में आ गया, एक्स बी के टर्म्स में आ गया। अगर हम एक्स ए के टर्म्स में लेकर के आ रहे हैं तो एक्स बी की जगह हमें ये लिखना पड़ेगा, तो देखो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस एक्स बी, बताओ सही है। बस इस वैल्यू को थोड़ा सा मैनिपुलेट करो और यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए, सॉरी थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा पी नॉट बी, यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और बाहर क्या बच जाएगा बताओ एक्स बी, क्योंकि हम लोग इसको किसके टर्म्स में लेकर के आ गए, एक्स बी के टर्म्स में लेकर आए। और ये एक्स बी है ना, मल्टीप्लाई बी मत कर देना, है ना, बहुत से लोग क्या कर देते हैं, थोड़ी मेरी राइटिंग उनको समझ में नहीं आती तो ये यहाँ लिख देते हैं, है ना, वो आपको नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी नॉट ए आ जाएगा बताओ यहाँ पी नॉट बी की जगह, और ये बस उल्टा हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स ए वैल्यू आ जाएगी, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये दो वैल्यूज़ आ जाएगी, इन दो वैल्यूज़ को आप लोग क्या कर सकते हो, हाँ सही है ना आंसर, एक्स ए आएगा एक्स बी के टर्म्स में हम लोग लिख, सॉरी यहाँ पे आएगा एक्स ए आएगा, है ना। तो ये मिस्टेक आप लोग ने नोटिस करी होगी, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। इन दोनों में से अगर आप ग्राफ को देखो तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल टू ग्राफ आएगा ये। सॉरी एक चीज़ और करना आप लोग, वो मैं करना भूल गया, यहाँ पे तो प्लस का साइन आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, तो ये आएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्शन कर लेना, बाकी अब कोई मिस्टेक नहीं है, सब हम लोगों ने कवर कर लिया। तो ये आप लोग नोट करो, ग्राफ जगह नहीं है, नहीं तो मैं ग्राफ बना देता, आप इसको कॉपी करो, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। चलो मैं ग्राफ बनाने की ट्राई करता हूँ, यहाँ पे बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग देखना इस ग्राफ को, आई होप। चलो अपन क्या करते हैं, इसको नोट कर ही लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो आप इसको नोट करो फटाफट से, कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग ग्राफ को रीड करते हैं और देखते हैं किस तरीके का ग्राफ आएगा। तो ठीक है, तो इसको आप थोड़ा मैनिपुलेट करोगे आंसर इस फॉर्मूले को, तो ये कुछ y इज टू एम एक्स प्लस सी का ये ग्राफ आपको दिखेगा, या c प्लस एम एक्स आपको दिखेगा, इस तरीके से जो भी दिखेगा, मतलब बहुत सिंपल सा ग्राफ आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं आएगा इसका। आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, तो हम ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का ग्राफ आएगा। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, देखें इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। यहाँ पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं वेपर प्रेशर को, और यहाँ पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन को। किसको लेकर के चल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन को लेकर के चल रहे हैं। चलिए इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, इसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो B है हमारे पास में, B is more volatile। अगर B more volatile है तो बताओ कौन ज़्यादा हो जाएगा, P not A ज़्यादा होगा या P not B ज़्यादा होगा? P not B ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कुछ यहाँ नीचे P not A, और यहाँ कुछ कंसिडर कर लेते हैं P not B को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स ए इज इक्वल टू वन, यहाँ कंसिडर कर लेते हैं एक्स बी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे एक्स बी कितना आ जाएगा? ज़ीरो। और यहाँ पे एक्स ए कितना आ जाएगा? ज़ीरो। बहुत सिंपल है। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा आपके पास में, देखो अगर एक्स ए की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब एक्स ए यहाँ पे वन है, तो ये ऑर्डर ये यहाँ से आएगा, एक सेकेंड सीधी नहीं जाएगी लाइन, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिससे ये सीधी चली जाए। अभी भी नहीं गई है ना, बैंड आ गया, बट कोई नहीं, आप लोग समझ सकते हो, समझदार आदमी। और इसको आप लोग यहाँ पर समझने की ट्राई मत करना है यहाँ पे इस ग्राफ को, क्योंकि इस ग्राफ को आप लोग समझोगे तो डिफ़िकल्टीज आएगी। याद करो इस ग्राफ को, यहाँ पे देखो, देखो प्योर होगा यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ बी का ही क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा, है ना। इस साइड आते जाएंगे तो देखो बी जो हैगा वेपर प्रेशर बन जाएगा, इस साइड आते जाएंगे तो देखो ए यहाँ से जीरो है, यहाँ तक आते आते वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बन जाएगा। आ रही बात समझ? तो ये जो ग्राफ आएगा और ये जो ग्राफ आएगा, इन दोनों को जॉइंट कौन करेगा? जॉइंट एक ग्राफ और करेगा, ये वाला ग्राफ। बस ये सिंपल सा ग्राफ आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आपको किसका ग्राफ देगा? ये पी नॉट बी का ग्राफ देगा, ये आपको पी नॉट ए का ग्राफ देगा। अभी के लिए आपको यही ग्राफ याद करना है। इस ग्राफ में हम लोग थोड़ी और चेंजेस करेंगे, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे किस किस तरीके से अलग अलग ग्राफ हम लोग रीड कर सकते हैं। हाल फिलहाल आप लोग ये ग्राफ को देखो, समझो और याद करो, याद ही कर लोगे। सिंपल सा ग्राफ है, देखो सिंपल, यहाँ पे एक्स ए की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जबकि एक्स ए देखो एक्स ए पूरा का पूरा वन है, यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्योर कंडीशन है। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? ये दोनों पॉइंट्स प्योर कंडीशन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ ए मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बी मिलेगा। तो देखो अगर आप यहाँ से आते जाओगे, मतलब इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, तो क्या होगा? किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ए की वैल्यू यहाँ जीरो है, यहाँ पे वन है, तो देखो पार्शियल प्रेशर कुछ इतना आएगा, या वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए इतना आएगा। यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे एक्स बी जीरो है, यहाँ पे एक्स बी वन हो गया, तो कुछ ये वैल्यू आ जाएगी।
और हम लोगों ने ये पहले डिसाइड कर लिया था कि बी जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, बी इज़ मोर वोलेटाइल देन ए, तो यहाँ पे पी नॉट ए जो होगा वो लेस देन हो जाएगा पी नॉट बी से। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे वोलेटाइल नहीं हो सकते। तो ये हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि पी नॉट ए पी नॉट बी, पी नॉट ए की वैल्यू कम होगी, पी नॉट बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। आ रही बात समझ में? तो आप इस ग्राफ को कॉपी करो, फिर हम इस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उस पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट, तो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं दो क्वेश्चंस को। देखो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में क्या है कि टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ए एंड 3 मोल बी इज 500 mm ऑफ Hg। एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल बी इज फर्दर एडेड देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाय 10 mm Hg। कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग इसके लिए देखो दो कंडीशन बनाओ, दो इक्वेशंस बनेगी इसके लिए। एक तो बनेगी देखो P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, ये तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो आपको फर्स्ट कंडीशन में कितना वेपर प्रेशर दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है 500 mm Hg इज इक्वल्स टू पी नॉट कितना आपको दे रखा है। तो अगर आप पी नॉट यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा, अच्छा पी नॉट तो आपको कैलकुलेट करना है ना, तो पी नॉट ए एक्स ए कितना दे रखा है आपको, अगर हम एक्स ए की तरफ चले तो देखो स्टार्टिंग में मोल कितने, 1 मोल और 3 मोल, तो टोटल हो गए 4 मोल्स। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस पी नॉट बी और ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और दूसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर अगर आप देखो तो 10 mm Hg से इंक्रीज होता है, तो 510 आ जाएगा। यहाँ पे पी नॉट ए 1 अपॉन क्या आएगा, 1 अपॉन 5 आ जाएगा क्योंकि देखो एक मोल हम लोगों ने बी का ऐड कर दिया, तो टोटल मोल में 1 इंक्रीज हो जाएगा। प्लस पी नॉट बी की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा 4/5 पी नॉट बी इंटू 4/5 क्योंकि देखो पी अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की तो बी के पहले मोल हमारे पास में 3 थे, अब हमने एक मोल फर्दर ऐड कर दिया तो बी के मोल्स कितने हो गए, 4 मोल्स हो गए। तो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बस आपको मैथ्स यूज़ करनी है और मैथ्स यूज़ करके इस फर्स्ट इक्वेशन से या तो आप पी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो या फिर पी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसमें से फिर आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, पी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, होमवर्क है आपके आपके लिए कि जो पी ए आएगा वो आएगा 350 और पी नॉट बी जो आएगा वो कितना आएगा 550 mm आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास में दो क्या आ जाएंगे, इस तरीके से ये पूरा का पूरा बन जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एट दिस पॉइंट। किस पॉइंट पर हमें लिक्विड का कंपोजिशन निकालना है, इस पॉइंट पर हमें लिक्विड का कंपोजिशन निकालना है। हमें पता है कि यहाँ पे एक्स ए प्रेजेंट होगा और यहाँ पे एक्स बी प्रेजेंट होगा, है ना, लेकिन हमें इस पॉइंट पर क्या करना है, कंपोजिशन निकालना है। और यहाँ पे आपको देखो ये वैल्यू दे रखी है 50 और ये वैल्यू दे रखी है 150। तो अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में आ जाएगा 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 mm Hg, ये आ गया। अब इसके अंदर हम लोग बस सिंपल सा फॉर्मूला P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से कंपोजिशन निकालना है यानी एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकालनी है। बस इसको आप किस टर्म्स में कैलकुलेट कर लो, देखो टोटल प्रेशर आपके पास में कितना है 200 इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आपको दे रखा है 160 इंटू, हम यहाँ से एक्स ए निकाल लेते हैं तो मैं यहाँ पे एक्स ए लिख देता हूँ ब्रैकेट में प्लस ताकि आप लोग क्लियरली देख सको। फिर यहाँ पे पी नॉट भी आपको दे रखा है 220, तो ये आ जाएगा 220 और यहाँ पे एक्स बी की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं 1 माइनस एक्स ए लिख देते हैं। ठीक है, तो बस आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक्स ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपके पास में एक्स ए की वैल्यू 1/3 आ जाएगी।
ठीक है। तो अगर एक्स ए की वैल्यू 1/3 है तो बस आप एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स बी की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास में, 1 माइनस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 2 बाई 3। तो ये हमारे पास में एक्स बी की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास में एक्स ए की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप लोग को ग्राफ दे करके कंपोजिशन पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए कि कैलकुलेशन भी किस तरीके से की जाती है। नहीं तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट समझो, कैलकुलेशन करने की ट्राई करो और फाइंड करो कि किस तरीके से हम लोग आंसर स्मार्ट तरीके से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन को टफ मत करो, कैलकुलेशन को ईजी करने की ट्राई करो। आप लोग कुछ छोटी छोटी मैथ्स की ट्रिक्स यूज़ करो जिससे कि कैलकुलेशन ईजी होती है। आप लोग इन कैलकुलेशंस को ट्राई करना है। इस क्वेश्चन की मैंने आपको इन दोनों का आंसर बता दिया है, ये आंसर आएगा। और इस आंसर्स को देख करके आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर ये चेक कर सकते हो कि यह आंसर सही है या फिर आंसर गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कंडीशन देख करके, दूसरा आपको ग्राफ देख करके कंपोजिशन पूछ सकता है, इवन आपको ग्राफ देख करके यहाँ पे और भी पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इसको नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप लोग कल करना और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका मेरे को आंसर बताना। देखो, आपको एक रिलेशन दे रखा है, आपको एक रिलेशन दे रखा है 6+, जो प्रेशर आता है ना, वेपर प्रेशर, यानी P इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, 6+1.5 xB। आपको वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो आप लोग इसको निकाल सकते हो ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए निकाल सकते हो, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ट्राई करना, होता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हमारे पास में क्या है, टॉपिक की हेडिंग है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज में हम लोग जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसको हम लोग रिलेट करने की ट्राई करते हैं। देखो, मान लो ये हमारे पास में एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में हम लोगों ने एक लिक्विड डाल रखा है। इस लिक्विड में दो कंपोनेंट, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। इसको शो करने के लिए मैं थोड़ा रेड मार्कर यूज़ कर लेते हैं, ये इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम वेपर्स देखें तो आपको दोनों की वेपर्स दिखेगी, क्योंकि दोनों के दोनों वॉलेटाइल है। हम अभी उसी केस को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे पास में आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन था। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ए के साथ साथ बी भी मिलेगा वेपर के अंदर। तो अगर हम कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका कंपोजिशन एक्स ए होगा और इसका कंपोजिशन क्या होगा, एक्स बी होगा। ये तो है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज या फिर सॉल्यूशन फेज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जो होगा वो किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ए और बी प्रेजेंट होगा वेपर फेज में, ये तो है वेपर फेज में, ये है सॉल्यूशन फेज में। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट करेंगे वाई ए से और यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट करेंगे वाई बी से। वाई ए का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। इसी तरीके से बी के लिए आप लोग लिख सकते हो, जबकि एक्स बी क्या होगा, एक्स बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज। देखो, वेपर फेज के अंदर वेपर्स हैं, यानी गैसेस, मॉलिक्यूल्स गैस हैं, हम लोग गैस को कंसीडर कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ यूज़ करेंगे,
और लिक्विड के लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ यूज़ करेंगे और फिर राउल्ट्स को डाल्टन के साथ में कंपेयर करेंगे। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो क्या आएगा। अगर हम पी नॉट ए की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा, सॉरी अगर हम पी ए की वैल्यू कैलकुलेट करें तो पी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए। इसी तरीके से अगर हम पी नॉट बी की, सॉरी पी बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, पी नॉट बी एक्स बी आएगा, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगाएं अकॉर्डिंग टू डाल्टन, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखो, किसी भी गैस का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो जस्ट किसके इक्वल हो जाता है, टोटल प्रेशर ऑफ गैस प्लस उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हमें प्रेशर ऑफ ए निकालना है, ठीक है, ये प्रेशर ऑफ ए क्या आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, हमारे पास में प्रेशर ऑफ ए वेपर फेज में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में देखो पी टोटल, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। इसी तरीके से अगर आपको पी बी कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई बी और पी टोटल, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोग यहाँ पे पुट करो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, राउल्ट्स इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, डाल्टन कर रहे हैं। तो राउल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी आएगा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। या चलो दोनों के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप पी नॉट ए की वैल्यू पुट कर दो, ये जो पी नॉट ए की वैल्यू है आप यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो पी नॉट ए हमारे पास में, सॉरी पी ए की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए प्लस वाई ए इंटू पी टी। इससे हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो वाई ए जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वाई ए आएगा पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखो P नॉट B एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी पी टोटल। तो यहाँ से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वाई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या बनेगा P नॉट B एक्स बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा P टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कुछ इक्वेशंस बन जाती है। इसको अभी तक हाफ हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, अभी हम लोग इसको आगे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसको फिर हम लोग आगे एक रिलेट करेंगे जिसके अंदर हम लोग कुछ ग्राफ बनाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अभी तक हाल फिलहाल आप ये याद रखना कि राउल्ट्स को डाल्टन के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिलेट करते हैं। राउल्ट्स तो लगता है लिक्विड्स के लिए और डाल्टन्स लगता है गैसेस के लिए, आप बस इतना ध्यान रखना, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग इस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें से मैं एक आपको यहाँ पे करवाऊंगा, दूसरा आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पी नॉट ए अपॉन में पी नॉट बी आपको रेशियो दे रखा है 1/3 एट अ गिवन टेम्परेचर अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, दो बार लिख लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इज 4:3, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन फेज। तो आपको मोल रेशियो बताना है या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपको बताना है सॉल्यूशन फेज में, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको पी नॉट ए पी नॉट बी का रेशियो दे रखा है, आप लोग क्या करो, देखो आप लोग राउल्ट्स को इक्वल करो डाल्टन के साथ में। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं 4a, तो a के लिए लिखेंगे तो बताओ क्या आएगा, a के लिए आएगा पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा पी टोटल वाई ए। तो यहाँ से आप वाई ए की वैल्यू निकालो, वाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई ए की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, ये होगी वाई ए की वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग 4b के लिए निकाल सकते हैं। तो 4b हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल वाई बी। तो यहाँ से आप वाई बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, पी नॉट बी और एक्स बी डिवाइडेड बाई पी टोटल, पी टोटल से पी टोटल हट जाएगा अगर हम दोनों इक्वेशन को रिलेट करेंगे। तो देखो क्या आएगा, वाई ए अपॉन में वाई बी इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो वाई ए लिखोगे आप लोग यहाँ पे तो ये आएगा पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, फिर आएगा पी नॉट बी
एक्स बी डिवाइड बाय पी टोटल, तो पी टोटल से पी टोटल कट जाएगा, तो वाई ए अपॉन में वाई बी आपके पास में क्या रेशियो आएगा, पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी। बताओ आपको वाई ए और वाई बी का रेशियो दे रखा है, पी नॉट ए पी नॉट बी का रेशियो दे रखा है, आपको क्या निकालना है, एक्स ए और एक्स बी का रेशियो निकालना है। तो देखो वाई ए अपॉन में वाई बी का रेशियो दे रखा है 4:3, तो 4/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक्स अच्छा एक्स ए और एक्स बी की एक सेकेंड इसको आपको लेना मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में एक्स ए अपॉन में एक्स बी का कुछ रेशियो आएगा लगभग, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये तो आ गया एक्स ए अपॉन में एक्स बी का, लेकिन आपको तो क्या निकालना था, आपको तो एक्स बी का निकालना था, तो बताओ एक्स बी का कितना आएगा, एक्स बी का आ जाएगा 1/5। भाई एक्स ए तो क्या होता है, एक्स ए होता है अगर आप एक्स ए प्लस एक्स बी को करोगे 1, तो इसमें से आप किसी भी टर्म्स में लेके आ सकते हो ना, अगर आपको एक्स बी निकालना है तो एक्स ए माइनस 1 कर देना, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कंपोजिशन निकाल सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वाला, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करके लाएंगे इसको, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग लिख लेना होमवर्क, ठीक है। आई होप आप लोग ये करेंगे, और अपना जो भी कमेंट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही हम लोग प्रीमियर शेड्यूल करेंगे तो आप उसमें ये इसका आंसर जो है वो टाइप करके ज़रूर रखेंगे, और नेक्स्ट जैसे ही प्रीमियम हम लोग सेट करते हैं आप लोग रिमाइंडर ज़रूर सेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर आप सेट कर लेंगे तो आपके पास में इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ जो वीडियो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। ओके सो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट राउल्ट फ्लो का समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप अपने डाउट को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड हाँ अगर आप लोगों ने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सके, 12th क्लास की स्टडी कर सके। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।